इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। आप तो इंट्राडे के अंदर ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई फॉर्मूला है जिसमें आप इंट्राडे स्टॉक को सिलेक्ट कर पाए? क्या आपको पता है इंट्राडे में कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है कल को? अरे भाई क्यों पकड़ रहे? अगर मुझे पता होता तो क्या तेरे वीडियो देखने आता? वो भी सही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे तीन इंट्राडे स्टॉक्स को लेके, नॉट ओनली तीन इंट्राडे स्टॉक्स को लेके, उसके अंदर एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो स्टॉक ऑफ द डे होगा। तो तीन स्टॉक को हम लोग अब देख लेते हैं। तो 31 जुलाई यानी कि मंडे के लिए जो तीन इंट्राडे स्टॉक्स रहेगा, नंबर वन रहेगा अडानी पोर्ट्स, नंबर टू रहेगा बायोकॉन एंड नंबर थ्री रहेगा वेदांता यानी कि VDL के ऊपर। लेकिन ये तीनों के अंदर जो स्टॉक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा अडानी पोर्ट्स। तो ये अडानी पोर्ट्स क्यों स्टॉक ऑफ द डे रहेगा वो जानने के लिए बाकी दो स्टॉक को जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, मैं बता दूं दोस्तों, इस सीरीज़ के अलावा भी मैं एक ब्रेकआउट स्टॉक्स का सीरीज़ चलाता हूँ। बहुत कुछ इनपुट मिलता है इस चैनल के अंदर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, पास में देखिए बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहे। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर होना जरूरी है, आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ओपन होने से पहले मैं डेली बेसिस देता हूँ, बहुत कुछ इनपुट्स देता हूँ प्री मार्केट पोस्ट मार्केट। तो अगर अभी तक आप इसके अंदर नहीं है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या फिर पिन कमेंट में देखिए, बहुत कुछ लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल करके लिखा हुआ है उसके पास में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो भी है आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चल पड़ते वीडियो के ऊपर और जो नंबर थ्री रहेगा पहले उसको हम लोग जानेंगे। मैं नंबर थ्री जो रहेगा VDL यानी कि वेदांता लिमिटेड के ऊपर, ये एक हम लोगों का मेटल सेक्टर स्टॉक है। तो मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर एवरी ट्रेड के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो अगर आप इस लॉजिक को ना समझ के खाली लेवल दे के ट्रेड करते तो आप एवरीथिंग लॉजिक में वहाँ पर लेवल देख के काम नहीं होता, लेवल हमेशा काम नहीं करता, लेवल एक दो रुपए इधर उधर हो ही जाता है, लाइव मार्केट में थोड़ा चीज़ें चेंजेस हो जाता है। तो लॉजिक अगर आप समझ लेते हैं उसका पीछे का रीज़न और कहाँ पर एंट्री कहाँ पर एक्सिट का पॉइंट, तो आपको क्या होता है लाइव मार्केट में उसके हिसाब से रिएक्ट करना आसान होता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो को स्कीप ना करके वीडियो को देखा करें ताकि आपको लॉसेस ना हो। यहाँ पर VDL का चार्ट है, आप देखिए VDL के अंदर क्या हुआ था। यहाँ पर पूरा एरिया का रिट्रेसमेंट मैं लगा दूंगा टोटल एरिया का, तो आप देखिएगा यहाँ पर टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट मैंने कर दिया है। और ये जो एरिया यहाँ पर जो बनाया है इसके अंदर अगर आप देखें, इसने क्या किया था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है इसके ऊपर अब ये अगर चला जाएगा यानी कि इस एरिया के ऊपर जो कि 280 यानी कि इस टॉप के ऊपर, ये यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था इस टॉप के ऊपर, तो इसके ऊपर जाके अगर ये VDL 10 मिनट सस्टेन हो जाते हैं तब हम लोग उसको वहाँ से बाय कर सकते हैं 280 के ऊपर से। सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, सस्टेन होने के बाद 280 अगर आपको 281 में भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। और वो यहाँ से रिजेक्शन होकर अगर नीचे आ जाते हैं, इसका जो 30 यहाँ पर 38% 277 उसके नीचे आके अगर 10 मिनट सस्टेन हो जाते हैं तो VDL वेदांता को हम लोग वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे 277 के नीचे से। तो दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे दे दिया, बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते है। मैं चार्ट कॉल के डिटेल एनालिसिस करने के बाद मेरा व्यू मेरा लेवल शेयर करता हूँ। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड के स्टडी पर्पस। सेकेंड व्यू में जाने से पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर बोलना लाइव मार्केट में ट्रेड करने में बहुत फर्क होता है। मुझे पता है लाइव मार्केट में आपको वहाँ पर एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अगर सेम प्रॉब्लम आपको भी होता है तो मेरा वहाँ पर लाइव मार्केट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। जो पहला जो स्क्रीन पे देखिए मेरा इक्विटी इंट्राडे जो हम लोगों का ऑप्शन के ऊपर लाइव मार्केट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, यहाँ पर हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट मैं देता हूँ डेली बेसिस 2 से 3 व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन के ऊपर, जो भी मिलता है लाइव मार्केट में मिलता है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। बहुत सारे मेंबर्स है, लास्ट दिन का बहुत प्रॉफिटेबल था, इसका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है उसको देखिए। और अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है जुड़ सकते हैं, 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और एक स्क्रीनशॉट देखिए मेरा इक्विटी स्टॉक्स इंट्राडे प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जहाँ पर मैं 1 से 2 इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर डेली बेसिस हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट देता हूँ। बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर भी है, यहाँ पर भी आपको लास्ट दिन में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने दिया है। 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और जो ये दोनों मिला के अगर आपको ट्रेड करना है यानी कि ऑप्शन एंड इंट्राडे स्टॉक्स के ऊपर दोनों मिला के अगर आपको करना है तो यहाँ पर पैकेज भी अवेलेबल है। दोनों मिला के जो पैकेज है 30% डिस्काउंट
अकाउंट आपको मिल जाएगा 4 to 5 व्यूज लाइव मार्केट हैंडलिंग सपोर्ट के साथ 999 पर मंथ में आपको 30% डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगा। और जो मेरा थर्ड वैरायटी है BTST STVT FNO सेगमेंट के ऊपर, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर BTST STVT ट्रेड करवाता हूँ। डेली बेसिस 2 व्यू देता हूँ, एक फ्यूचर के ऊपर एक ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर भी बहुत सारे मेंबर्स और ह्यूज प्रॉफिट होता है, यहाँ पर लंबा लंबा प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है 899 पर मंथ का छोटा सा फीस है। तो इंट्राडे ऑप्शंस के ऊपर 699, इंट्राडे इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर 599 और BTST STVT के ऊपर 899 करके छोटा छोटा करके फीस है। जो भी सेगमेंट आपको सही लगे, जो भी आप सूटेबल लगे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मैंने दे दिया है। चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर, और जो हम लोगों का सेकेंड व्यू है उसको देखने से पहले जो लास्ट एपिसोड था उसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। लास्ट जो 3 स्टॉक मैंने बताया था, पहला था हम लोगों का ICICI बैंक के ऊपर। ICICI बैंक के अंदर हम लोगों ने देखा हम लोगों का सेलिंग लेवल यहाँ पर 87 के नीचे एक्टिवेट हो गया था। अब देखिए सेलिंग लेवल यहाँ पर 10 मिनट सस्टेन भी हुआ था, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पर 977 तक टारगेट हिट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, 2 बार टारगेट हिट हुआ, ह्यूज ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पर देखे गया है। तो इसके अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ था। सेकेंड जो था हम लोगों का था वो इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस के अंदर क्या हुआ था हम लोगों का, इन्फोसिस के अंदर भी हम लोगों का सेलिंग लेवल यहाँ पर ये एक्टिवेशन हो गया था हम लोगों का 1344 के आसपास, 4544 जो मैंने शॉर्ट सेलिंग बोला था, यहाँ पर सस्टेन हुआ, सीधा नीचे आया 34-35 के आसपास। इसके अंदर ह्यूज ह्यूज प्रॉफिट देखे गया है। सेकंड जो था इन्फोसिस प्रॉफिट दिया। थर्ड जो था हम लोगों का जिंदा स्ट्रीट के अंदर पहले ही एकदम वहाँ पर नीचे चला गया था, ये 646 का टारगेट हिट हो गया था। और देखिए ये सस्टेन होने के यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुआ था, क्योंकि मार्केट ओपन होने से बाद ही वो नीचे चला गया था, फिर से नीचे आया, यहाँ पर थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट दिया। लेकिन अगर आप उसके बाद मतलब एंट्री लेने का कोशिश किया तो इसके अंदर एंट्री नहीं मिला, नॉट एक्टिव था, ठीक है। तो तीनों में ही प्रॉफिट छोटा छोटा में, यहाँ पर जिंदा स्टील को अगर छोड़ भी देते नॉट एक्टिव भी बोलते हैं, तो बाकी दोनों के अंदर टारगेट हिट हुआ, ह्यूज प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपको मैच करवाना है, मेरे चैनल के अंदर लास्ट एपिसोड है, जाके जरूर मैच करवा सकते हैं। और ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए ये बाजार इनसाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों कैसा लगता है। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम आप ज़रूर मुझे बताना, और उसके साथ वहाँ पर कमेंट सेक्शन में 30+ कमेंट टारगेट है, 100+ लाइक टारगेट है, थोड़ा अचीव करके जाना कैसा लगता है। कोई भी सुझाव है जाओ भी है, ये कमेंट एंड लाइक फ्री है दोस्तों, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। तो दिल खोल के मन खोल के कीजिए उसको, ठीक है। फाइनल व्यू में सेकंड व्यू में हम लोग चल पड़ते हैं। सेकंड जो रहेगा, नंबर 2 जो रहेगा हम लोगों का मंडे के लिए बायोकन के ऊपर रहेगा। ये एक फार्मा सेक्टर स्टॉक है। इसका रीज़न क्या है, मैं टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट निकालूंगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर क्या हुआ था, आप देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 लगा दिया, उसके बाद ए लगाया, बी ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर बी लगा के सी लगा ले। तो सी अगर लगाते हैं 254, यानी कि इसके नीचे अगर चले आते ये एरिया के नीचे, ठीक है, तो ये एरिया के नीचे आने से उसको हम लोग शॉर्ट सेल जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ये 254 के नीचे, मतलब 254 के नीचे आके 10 मिनट सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता है, इसके नीचे आके 10 मिनट सस्टेन हो गया, तो हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। और यहाँ से अगर ये डायरेक्टली ऊपर चले जाते, कैंसिल कर देते वेव को, और ये जो 23% 259 उसके ऊपर जाके अगर ये 10 मिनट उसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, तब हम लोग उसको वहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कैश का लेवल देखिए स्क्रीन पर मैंने दे दिया हूँ, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, तो आपका लॉस वहां पर होगा, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, ठीक है। 10-15 मिनट अगर आप नहीं दे पाते तो बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको मैं कोर्स करना है, मैं आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, 2-3 दिन ही ये ऑफर और अवेलेबल है। 20% डिस्काउंट ऑफर, फ्लैट डिस्काउंट, जो भी आप कोर्स करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे के ऊपर, स्विंग ट्रेड के ऊपर, आपका ऑप्शंस के ऊपर, जो भी कोर्स आप लेंगे और या पैकेज लेंगे, वहाँ पर 20% इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड BIG20 आपको चेकआउट पेज में मिलेगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर मेरा वेबसाइट और मेरा एप्लीकेशन का लिंक है। संदीप चक्रवर्ती ऐप को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप कोर्स वहां पर चूज करेंगे, लास्ट में जाके चेकआउट पेज में जाके आप 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा वहां पर एक क्लिक से, ठीक है। तो जो भी करना है जल्दी कीजिए, 2-3 दिन ही और ये चलेगा, उसके बाद मैं इसको एंड कर दूंगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुका है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो 2-3 दिन मैंने और यहां पर इसको लगूंगा, ठीक है। चल पड़ते वीडियो के ऊपर, और नंबर 1
यानी कि जो स्टॉक ऑफ द डे रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। स्टॉक ऑफ द डे रहेगा अडानी पोर्ट्स के ऊपर। अडानी पोर्ट्स के अंदर चीज़ों को समझना होगा आपको, क्यों ये स्टॉक ऑफ द डे है, लेवल देखने से पहले चीज़ को समझना होगा। बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ कि दोस्तों वीडियो को किसी भी हालत पे स्कीप ना करें। इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर मैं दो चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। एक तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन, मैंने नीचे का ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था, और ऊपर देखिए इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर दिया। तो इसके अंदर देखिए ये नैरो डाउन हो रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न इसके अंदर क्रिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया था, रेजिस्टेंस लेना, यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर से यहाँ पर चैनल के ऊपर सपोर्ट, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर रेजिस्टेंस और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं इस एरिया, और तो ये एरिया जो स्विंग लो, ये टोटल एरिया का अगर हम लोग देखें तो इस एरिया के नीचे चले जाते हैं, यानी कि पहले इसको अगर ऊपर काट देते तो इस चैनल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देते, तो क्या करूँगा हम लोग इसके ऊपर से 761, तो 761 के ऊपर अगर जाएगा और उसके ऊपर जाके अगर 10 मिनट सस्टेन हो जाएगा अडानी पोर्ट्स, तो हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। और ये यहाँ से रिजेक्शन होकर अगर ये चैनल को ब्रेक डाउन करेगा 750, तो उसके नीचे आके 10 मिनट सस्टेन हो जाने से हम लोग वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल देखिए स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूँ, अपने प्रीवियस कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लीजिए। एंड स्क्रीन पे देखिए दोस्तों मेरा जो ब्रेकआउट स्टॉक का एपिसोड मैंने जोड़ दिया हूँ, उसके साथ मेरा जो गोल्डन ब्रेकआउट प्रोग्राम है, अगर आप स्विंग ट्रेडर है आपके लिए वो प्रोग्राम बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत बेनिफिटेड हो गया आप। तो क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा जानने के लिए छोटा सा एक वीडियो मैंने स्क्रीन में दिया हूँ, उसको जाके जरूर देखना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।